It is my fourth lecture, breathing and gas exchange, transport of CO2. Approximate 20 to 25% carbon dioxide is transported by RBC. 70% in the form of bicarbonate, that is sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, is form of transport of your CO2. And 7% CO2 is transported in dissolved form in plasma. So these are the three ways which help in the transportation of CO2 from the place of origin to the air sac. अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है इसकी ये बाइंड करती है, वेरी ट्रांसपोर्टेड विद द आरबीसी विद द हीमोग्लोबिन, डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2 इन एयर सैक एंड टिश्यू एंड अदर फैक्टर्स, टेम्परेचर, hydrogen concentrations, they also decide the binding and dissociation of O2 and CO2. In air sac, partial pressure oxygen is more than CO2. In blood capillaries, which are present and around the air sac, partial pressure O2 is low and partial pressure CO2 is more. Due to this difference in the partial pressure, number one, exchange of gases take place, and second, oxygen combined with hemoglobin and make the oxyhemoglobin. Oxygen hemoglobin se combined hokar ke oxyhemoglobin banati hai. Jab ye oxygen tissue mein pahunchti hai, to in tissue wahan par oxygen is released. Oxygen release hoti hai और डिफ्यूज होती है, जहां वहां पर ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइज द सबस्ट्रेट दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और इंपोर्टेंट सबस्ट्रेट. तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विच कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन. वो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन मेक द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी जब ट्रांसपोर्ट होती है CO2, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है. और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. इट इज अ परमानेंट एसोसिएशन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन डज नॉट फ्री फ्रॉम दिस एसोसिएशन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. देखिए ये प्लाज्मा है और प्लाज्मा में ये आरबीसी प्रेजेंट है. प्लाज्मा में CO2 है. दिस CO2 डिफ्यूज इन द आरबीसी. With water, it combines in the presence of carbonic anhydrase. एक एंजाइम है और यहां पर यह कार्बोनिक एसिड बनता है. कार्बोनिक एसिड बन जाता है. दिस कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट ब्रेक इन टू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड मेक द हीमोग्लोबिनिक एसिड. ये जो बाइकार्बोनेट है, दिस बाइकार्बोनेट कम इन द प्लाज्मा विद एनएसीएल, सॉरी विद सीएल. ये एनएसीएल में एनएसीएल मतलब सीएल, यानी बाइकार्बोनेट इज एक्सचेंज विद द क्लोराइड आयन. तो यहां पर ये सोडियम है और ये बाइकार्बोनेट है, दोनों मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं. ऐसे ही पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है. तो ये बाइकार्बोनेट यहां से एयर सैक में जाता है और वहां जाने के बाद
it releases the carbon dioxide to the air, and carbon dioxide is exchanged in the air sac. अब देखिए यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है. अब है कि हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड. देखिए ये नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, ये मॉडरेट द रेस्पिरेशन एज पर बॉडी नीड. बॉडी की जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से ये रेस्पिरेशन को मॉडरेट करता रहता है. देखिए हमारे जो नर्वस सिस्टम में जो हाइंड ब्रेन पार्ट है वहां पर मेडुला ओब्लांगाटा होता है. ये मेडुला ओब्लांगाटा में एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं. यानी मेडुला के अंदर एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है, एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, और ये रेगुलेट द ब्रीथिंग. कौन ब्रीथिंग रेगुलेट करता है? मेडुला ओब्लांगाटा के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. क्योंकि मेडुला ओब्लांगाटा में अगर आप देखिए यहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, यहां पर कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है, यहां से स्वालोइंग भी होती है, और यहां से हमारा जो है वोमिटिंग को भी ये रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लांगाटा. ये मेडुला ओब्लांगाटा है और ये इन सब चीजों को रेगुलेट करता है. अब इस मेडुला ओब्लांगाटा के बराबर में ही यहां पोन्स होता है. इट इज अनदर रेगुलेटरी सेंटर जिसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर. यानी कि हम जो पोन्स है इसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं. विच इज ऑल्सो मॉडरेट द रेस्पिरेशन. अब यहां से जो न्यूरल सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द पोन्स रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड चेंज द रेस्पिरेटरी रेट. जो पोन्स से न्यूरल सिग्नल अराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को चेंज कर देते हैं जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाती है. एक वन मोर सेंटर है कीमोसेंसिटिव एरिया. ये कीमोसेंसिटिव एरिया लोकेटेड नियर द रिदम सेंटर. रिदम सेंटर एक मेडुला में है, एक पोन्स में है. तो यहां से ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस टाइम में ये कंसंट्रेशन एक्टिवेट दिस सेंटर. यानी कीमोसेंसिटिव एरिया वाला सेंटर है ये यहां पर एक्टिवेट होता है. कब एक्टिवेट होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. और जब ये बढ़ जाती है और ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये सिग्नल जो है सेंड टू द रिदमिक सेंटर. ये रिदमिक सेंटर को भेज दिए जाते हैं जो कि उसको रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एडजस्ट करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, क्योंकि CO2 इज द बेस प्रोडक्ट. यानी कीमोसेंसिटिव एरिया को जब एक्टिवेट हो जाता है तो मैसेज कहा जाते हैं रिदमिक सेंटर को. इसके बाद यहां पर एक रिसेप्टर्स होते हैं. ये रिसेप्टर जो हमारे एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी. तो ये भी रिकॉग्नाइज होते हैं, रिकॉग्नाइज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. ये दोनों में रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से स्टिमुलेट होते हैं और ये भी मैसेज जो है रिदम सेंटर को जाते हैं. देखिए चाहे तो रिसेप्टर हो या कीमोसेंसिटिव, दोनों मैसेज किसको भेजते हैं? रिदम सेंटर को. तो यहां पर जब मैसेज आता है तो उसको रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेगुलेट कर देते हैं. अब यहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको कंट्रोल करने में कोई इसका रेगुलेशन कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन का. अब यहां पर कुछ डिसऑर्डर्स है. सबसे पहले अस्थमा. देखिए अस्थमा जो है ये एलर्जिक डिजीज है.
जिसमें कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑल ऑफ सडन। तो यहां पर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से एक वीजिंग साउंड आती है फ्रॉम द लंग्स। अस्थमा इज एन एलर्जिक डिजीज एंड इट इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस, इनके अंदर हो जाता है। सेकेंड है एम्फाइसीमा। देखिए एम्फाइसीमा जो डिजीज है ये जनरली उन लोगों में होती है जो कि हैवी स्मोकिंग करते हैं, हैवी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ये जब स्मोकिंग करते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल के आती है। तो ये जो गैस है इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और ये जो एल्वेलाई होते हैं इनके अंदर डिपोजिट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू दी डैमेजिंग ऑफ द वॉल ऑफ एयर सैक। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है दिस हैज द पार्टिकल ऑफ कार्बन विच डिपोजिट टू दी एंड डैमेज द एल्वेलाई, तो इसे एम्फाइसीमा हो जाती है। एक है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए ये जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर रिलेटेड विद द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, किस तरह काम कर रहा है, किस तरह जॉब कर रहा है, किस तरह की काम में लगा हुआ है। तो इसमें जो है स्टोन ग्राइंडिंग या पत्थर की ग्राइंडिंग होती है इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है या आयरन इंडस्ट्री में है या कोई इस तरह की अदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो ऐसे लोग अगर लंबे टाइम तक एक्सपोज इन दैट टाइप ऑफ सराउंडिंग, इफ द पर्सन हु आर इन्वॉल्व हु आर एंगेज हु आर डूइंग दैट जॉब एंड दे आर एक्सपोज टू देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम खड़े। तो ऐसे लोगों को दो आर डूइंग द वर्क इन सच टाइप ऑफ इन एनी ऑक्यूपेशन दे शुड वियर द मास्क, उनको मास्क लगा के रखना चाहिए जिससे कि उनके जो पार्टिकल्स हैं दे शुड नॉट बी एंटर इन द बॉडी और इन द लंग्स ऑफ देम एंड स्टॉप एंड डू नॉट स्टार्ट अ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस। थैंक यू। आप पढ़िए, इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।